हेलो दोस्तों, नमस्कार। A3 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पोर्ट्स जीके। इसके अंतर्गत हम सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी MCQs होते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें सभी जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़िए। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आ सकते हैं, जिसका नाम है A3 एकेडमी से सर्च कर लीजिएगा और उसकी PDF आपको वहाँ अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यह पूछा गया था RRB NTPC 2016 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा है। आपको कुछ सेकंड्स दिए जाएंगे अपने से बताने के लिए, फिर उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। इसका है ऑप्शन नंबर 4 बेसबॉल, ठीक है। क्या है इसका ऑप्शन नंबर 4 बेसबॉल। और अब यह बता सकते हैं कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं पर टीम में, ठीक है। पर टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। और इसे कब अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बनाया गया है? इसे बनाया गया था 19वीं शताब्दी के अंत में। कब बनाया गया था? 19वीं शताब्दी के अंत में बेसबॉल को अमेरिका का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो बताइए, यह हुआ था मणिपुर में। किस में हुआ था? मणिपुर में, ठीक है। पोलो खेल किसे कहते हैं, यह भी क्वेश्चन है ना। पोलो खेल वह होता है जिसमें घोड़े में बैठकर लोग उससे मारते हैं, बैट से मारते हैं। हॉकी स्टिक टाइप में होती है, एक बहुत बड़ी सी, लेकिन उसे घोड़े में बैठकर मारा जाता है और गोल किया जाता है। दो टीमें होती हैं, अपोजिट एक दूसरे के गोल में गोल किया जाता है, ठीक है। अब पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इसका आंसर क्या था? सेकंड नंबर, ध्यान रखिएगा, मणिपुर, ठीक है। ये बताइए, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये इसका एक आपको मैं इसका एक क्वेश्चन ला के दूंगा, एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें पर उसमें दिखाया जाएगा पर खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। पर अभी एक यह क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है। MPPSC 2015 में भी आया था और RRB NTPC 2016 में भी आया था, ठीक है। आपको टाइम मिल गया है, आप बता सकते हैं कितने खिलाड़ी हैं। इसमें होते हैं टोटल 4 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर 1। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? अब आप बताइए किस में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, वाटर पोलो और कबड्डी में होते हैं 7-7 खिलाड़ी दोनों में, ठीक है। बाकी सभी किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो पड़ेगा तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। अभी हम 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे कर करके अपन 4-5 वीडियोस में पूरा स्पोर्ट कवर कर लेंगे। और एक वीडियो मैं ज़रूर उसका बनाऊंगा जिसमें किस में कितने खिलाड़ी होते हैं, वह आप देख लीजिएगा। चलिए पाँचवें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? ये शायद आपको पता होगा, इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 2, मेजर ध्यानचंद। क्या है ऑप्शन नंबर 2? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हें हॉकी का जादूगर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब ये खेल खेलने जाते थे हॉकी खेलने, तो बॉल इनके हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी, वह छूटती नहीं थी। तो कई लोगों को शंका थी या विरोधी टीम ने शिकायत की थी कई बार कि इनकी हॉकी चेक की जाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है।
तो इनकी हॉकी तोड़कर देखी गई थी, कहीं ये चुंबक तो नहीं लगाते हैं, बट ऐसा कुछ था नहीं, है ना। चलिए थोड़ी सा मेजर ध्यानचंद के बारे में अपन पढ़ लेते हैं हल्का सा। इनका ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और इनका जन्म जो हुआ था 29 अगस्त 1905, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, 29 अगस्त 1905 को हुआ था, और इनकी मृत्यु भी हो गई थी 3 दिसंबर 1979 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शायद आप ये जानते होंगे, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? किसे किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? ये SSC 2014 में आया था। तो अब आप ऐसे भी थोड़ी सा लगा सकते हैं अंदाज, राहुल द्रविड़ कौन थे? कि इंडियन क्रिकेटर थे। सचिन तेंदुलकर कौन थे? इंडियन बैट्समैन थे। दोनों ये बैट्समैन हो गए। ये पाकिस्तान के ऑलराउंडर थे, इमरान खान कप्तान भी थे, और शोएब अख्तर ओनली वन बॉलर है इसमें, तीनों ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? शोएब अख्तर, ठीक है। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था। और इनकी सबसे फास्ट बॉल थी वर्ल्ड कप 2003 में, वर्ल्ड कप 2003 में, सॉरी, हाँ, वर्ल्ड कप 2003 में इन्होंने 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद फेंकी थी। यह अब तक की सबसे तेज़ गेंद मानी जाती है इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेमनिक का संबंध किस देश से है? बताइए, इनका संबंध रूस से है, ठीक है। शतरंज खिलाड़ी जो हैं व्लादिमीर क्रेमनिक, इनका संबंध रूस से है। अपने यहाँ से शतरंज कौन खेलता है? भारत से। तो अपने यहाँ से भारत से विश्वनाथन आनंद शतरंज खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी शिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही मतलब होता है। ये करते हैं ऑप्शन नंबर 4th, स्पेन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? ब्लैक पर्ल एक खिलाड़ी थे, वो किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर 3, फुटबॉल से। इन्हें ब्लैक पर्ल बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, आप अगर फुटबॉल देखते होंगे तो ज़रूर जानते होंगे, जैसे रोनाल्डो मेसी हैं, ये तो चलिए ठीक है, इस समय के फिर वो महान खिलाड़ी, वो बहुत ऑल टाइम महान खिलाड़ी का उन्हें टैग मिला था। ये ब्राज़ील और पुर्तगाल के, ब्राज़ील के खिलाड़ी थे, ब्राज़ीली खिलाड़ी थे, और ये ब्राज़ील और पुर्तगाल की तरफ, मतलब पुर्तगाल की तरफ से खेलते थे, ब्राज़ील और पुर्तगाल के उसमें थे, इसलिए इन्हें पेले भी कहा जाता था, इनका एक शॉर्ट फॉर्म था पेले, ठीक है। इन्हें महान खिलाड़ी माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 23 अक्टूबर 1940 को, हाँ सॉरी एक सेकेंड, हाँ इनका जन्म कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1940 को, 1940 को, है ना। और इन्हें 1999 में फीफा द्वारा सर्वश्रेष्ठ शताब्दी के महान खिलाड़ी के रूप में चुना गया था। इन्होंने अधिकृत गोल जो किए थे 760 किए थे, बहुत गोल किए थे इन्होंने, और वैसे तो ये 1300 कुछ गोल, सॉरी 1200 कुछ, 1200 मैच में 1189 गोल इन्होंने किए थे ऑल अपने फुटबॉल उसमें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो आधिकारिक गोल माने गए हैं वो 760 माने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। षणमुगम वेंकटेश निम्न में से किस खेल में से एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं? ये IAS का क्वेश्चन है 2005 का, गाइस अच्छे से पढ़िएगा।
बताइए, आपको टाइम दिया जा रहा है। ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। किस खेल से खिला रिलेटेड थे ये? फुटबॉल से। ये भारत के पूर्व फुटबॉलर थे, है ना, और इस समय ये सहायक प्रबंधक भी हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के सहायक प्रबंधक हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विजेंदर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर 3, बॉक्सिंग से संबंधित। विजेंदर सिंह बॉक्सिंग से संबंधित हैं, ठीक है। और ये हैं कहाँ के वैसे भारत में? तो भारत में ये हैं हरियाणा के, और इनका जन्म हुआ था 1985 में। पूछ सकता है फिर भी, ठीक है। विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग से संबंधित हैं और इनका जन्म 1985 में हुआ था। ये हरियाणा के थे, हरियाणवी खिलाड़ी हैं। वैसे भी हरियाणा के लोग ज़्यादा थोड़ी इसमें रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि वहाँ गाय भैंस ज़्यादा होती हैं, दूध पीते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं, पहलवानी और बॉक्सिंग इन चीज़ों में ज़्यादा वहाँ के बच्चे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 12वां क्वेश्चन है। हीना सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? यह CDS 2014 में आया था। बताइए हीना सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? पीवी सिंधु नहीं है ये, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पीवी सिंधु जो हैं वो बैडमिंटन से संबंधित हैं, इनका ये हीना सिंधु हैं, ये संबंधित थी ऑप्शन नंबर ए, निशानेबाजी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? ये ऑप्शन नंबर 4, साइकिलिंग से संबंधित है वेलोड्रोम, ठीक है। किससे संबंधित है? साइकिलिंग से, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि क्या होती है? क्रिकेट खेलते होंगे यदि आप तो पता होगा, नहीं खेलते तो भी क्वेश्चन तो है, इसको पढ़ना पड़ेगा, ज़रूरी चीज़ें हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्ज़ाम्स में, आया भी है PSC MPPSC 2014 में आया है। बताइए, आपको टाइम दिया जा रहा है 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर के बीच की होती है इसकी परिधि, ठीक है। और आप बता सकते हैं क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 11, एक दो टीम होती हैं, एक में 11 दूसरे में 11 होते हैं। और क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है? तो कितनी लंबाई होती है उसकी? 22 गज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्वविख्यात रोलो गोरी किस खेल से संबंधित हैं? रोलो गोरी किस खेल से संबंधित हैं? बताइए, टाइम दिया जा रहा है आपको। ये थे ऑप्शन नंबर 1, लॉन टेनिस से संबंधित थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, कानपुर, यूपी में आता है कानपुर, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे क्रिकेट ज़्यादातर खेला जाता है। वैसे मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है, 32,000 की क्षमता है, 32,000 की क्षमता है, 32,000 दर्शकों की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सीके नायडू कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से संबंधित। किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? ये जितने भी कप हैं इनका भी एक वीडियो में बनाऊंगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कितने सारे एग्जाम्स में आ चुका है, है ना, कई बार पूछा जाता। इसमें वही क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं जो कभी ना कभी एग्जाम्स में आ चुके हैं या उनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा इनको। ये ऑप्शन नंबर डी गोल्फ से संबंधित हैं। राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? CGPSC में आया था ये 2009 में। बताइए, आपको टाइम दिया जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी मलेशिया में। ठीक है, कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट? तो मलेशिया में ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडियन ग्रीन संबंधित है, इंडियन ग्रीन किससे संबंधित है, किस ट्रॉफी से संबंधित है? मींस तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर बी चैलेंजर ट्रॉफी से। MPPSC 2009 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है बताइए? इसका संबंध है ऑप्शन नंबर बी लॉन टेनिस से। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी लॉन टेनिस से। ठीक है, लॉन टेनिस में वही एक या दो खिलाड़ी होते हैं, जैसे टेनिस होता है उसी तरह लॉन टेनिस भी होता है, सेम होता है, एक या दो खिलाड़ी होते हैं। जैसे डबल्स होता है तो दो दो खिलाड़ी होते हैं, सिंगल्स होता है तो एक एक खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छुए बिना गुजरे तो उस समय के लिए रन लिए गए रन को क्या कहते हैं? क्रिकेट में जब बॉल किसी बल्ले के बल्ले में टच नहीं होती है और बॉडी को टच हुए बिना निकल जाती है और उसमें जब खिलाड़ी रन दौड़ लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बताइए बाई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी थर्ड। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी बाई कहा जाता है, बाई का रन उसे कहा जाता है। और यदि पैर में टच होकर जाती है तो उसे लेग बाई कहते हैं। और बाउंसर होता है जब ऊपर से कंधे के ऊपर से बॉल जाती है उसे बाउंसर कहते हैं। ड्राइव कहते हैं जब खिलाड़ी लगा देता है ड्राइव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम की आत्मकथा कौन सी है? अब टाइम दिया जा रहा है, बताइए आप। ऑप्शन नंबर बी माय साइड। कौन सी बुक है उनकी आत्मकथा वाली बुक? माय साइड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये 24वां क्वेश्चन है, इसके बाद फिर अपन 25 क्वेश्चन केवल इस वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस का वीडियो फिर मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किस चीज़ के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, युद्ध भूमि में वीरता प्रदर्शन के लिए, या खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए? आपको टाइम दिया गया है, बताइए। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, खेलों में गौरव को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, है ना? तो अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है? जो खेल में गौरव बढ़ाते हैं उसके लिए दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1961 से प्रारंभ हुआ था और इसमें 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार की राशि के रूप में, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए अपन लास्ट क्वेश्चन आज का पढ़ते हैं, है ना? ओलंपिक में मोंटो सिटीज अल्टिस फोर्टियस का शब्द का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ठीक है गाइस, आज 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ को आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके दूसरों को भी पता चले, देखें वीडियो, लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो।
आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं A3 एकेडमी में ये आपके पास नोटिफिकेशन इनकी पहुंच जाए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।